नमस्कार दोस्तों, राधा मोहन के आने वाले एपिसोड में जहां दामिनी करेगी अपने ही जान लेने की कोशिश, लेकिन राधा को इस चीज़ का पता है कि दामिनी ये सिर्फ नाटक कर रही है और कुछ नहीं कर रही। और जिसके बाद में दामिनी बोलती हुई नजर आने वाली है कि ये माचिस है और हम खुद आग लगाते हैं, चलो मरो। जिसके बाद में दामिनी पीछे हट जाएगी, क्योंकि दामिनी की ये जो कोशिश है ये भी बेकार जाने वाली है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कहानी में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। और वाकई में इस समय की अगर बात की जाए तो आप लोगों के बीच में जल्द ही देखने को मिलेगा कि किस तरीका से मोहन की शादी दामिनी के साथ में एक बार फिर से होती हुई नजर आएगी। हालांकि इस समय मोहन बहुत गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाता हुआ नजर आ रहा है राधा के ऊपर कि राधा ने ये किया है और ये अपने आप को इनोसेंट साबित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि दामिनी के विचार शुरू से ही ठीक नहीं थे और दामिनी को एक्सपोज करने के लिए हर तरीका से राधा साथ दे रही हैं ताकि दामिनी एक्सपोज हो सके। और बार बार ये भी कहती हुई नज़र आ रही हैं कि पुलिस वालों से कि अगर गिरफ्तार करना है तो मुझे कर लो, लेकिन मेरे मोहन जी को कुछ मत करना। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीका से दामिनी सभी लोगों के सामने अपने मोहन का साथ दे रही हैं और सभी लोगों को पता भी चल चुका है कि हाँ, दामिनी बिल्कुल सही कर रही हैं, क्योंकि इन्हें मर जाना चाहिए। मरने की कोशिश कर रही है दामिनी तो इसे फिर मर ही जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि दामिनी का जो घिनौना चेहरा है वो लोगों के सामने पूरी तरीका से आ चुका है, क्योंकि पहले तो उसके मुँह पर कालुष पुती है, अब वो एक नया ड्रामा कर रही है ताकि किसी भी तरीका से राधा और मोहन एक ना हो सके। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि दरार गिरवाने वाली राधा और मोहन के रिश्ते में कोई और नहीं है बल्कि वो दामिनी ही है, और इस चीज़ का खुद राधा ने सभी लोगों को बताया है। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर। जी हाँ, आप लोगों से हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर